आपके हस्बैंड जो है उन्होंने पूरी इंडस्ट्री चेंज की है। अच्छा, कोई स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री में ब्यूटी का, जिस जो जो सेट किया हुआ किसी ने, यही है बस ब्यूटी, इसके आगे पीछे सब खत्म, कचरा है, सब कचरा है। माहिरा खान उसी को धमका रहे हैं, उसी को घरों से बाहर निकाल रहे हैं, उसी को थप्पड़े मार रहे हैं, एंड भी वही हो रहा है। और आप कह रहे हैं भाई वाह वाह वाह, औरतों के लिए हमने ड्रामे ना बनाए, हमारे लिए ड्रामे हम खुद कर लेंगे अपना ड्रामा। हाँ, हम बेहतर है, हमें नहीं चाहिए आपके ड्रामे, शो के बाद मुझे काम नहीं मिलेगा। आपने ये ओपनली कहा है, स्टेटमेंट दिया दैट यू आर नॉट अ फेमिनिस्ट, देन आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। यार मैं रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी होने वाले हैं आप कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट, इसलिए तीन हजरात, इससे पहले कि वक्त जाया हो जाए मैं आपको बताना चलूं कि आप इस वक्त मौजूद हैं TBH3 प्रेजेंटेड बाय नाशपाति प्राइम। इन्हीं चीखों में, इन्हीं तालियों में आपको आज के गेस्ट के बारे में बताया जाए। भाई UN की पोलियो ड्राइव की एम्बेसडर है, स्पेशल ओलंपिक्स की भी एम्बेसडर, एक काम जो बहुत जोर से इन्हें करना है वो मिल नहीं रहा, मॉर्निंग शो होस्ट। आज हम इनसे पूछेंगे ये क्यों नहीं हो रहा, तो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द गॉर्जियस सरबत गिलानी। Welcome to TBH, please have a seat. Thank you. कैसी है सरबत? मैं बेहतरीन। I love your shoes. Thank you. पढ़ते भी बहुत अच्छे हैं। सरबत ने आते ही फ्रंट फुट पे खेला। तो कंफर्टेबल है? बिल्कुल। सोफा ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। नया लिया? नंबर दे दीजिएगा। सोफे का? कारपेंटर का। अच्छा, एक्टिंग में कैसी आई? कोइंसिडेंस, इत्तेफाक। इंडस वैली में पढ़ती थी, फिल्म मेकिंग की स्टूडेंट थी, और असफर सलमा टीपू ये लोग आए एक दफ़ा हमारे कोई लेक्चर देने, तो हर चीज़ का शौक था, थिएटर का, डिबेट का, हर सोसाइटी में, ड्रामेटिक सोसाइटी में, हर जगह मौजूद होती थी। तो उन्होंने कहा तुम हमारे साथ एक प्ले करो, तो मैंने कहा अभी तो मेरे थीसिस हो रहे हैं, अम्मा ने बड़े पैसे जमा करके यहाँ पढ़ाए हैं, IVS में पिटाई हो जाएगी, ठीक है फिर देखूंगी असफर। हाँ, तो वो किया, फिर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में गई, बिकॉज़ आई स्टडीड। इनको कटा दिया आपने? मैंने कटा दिया, इनको कटा दिया। हाँ, अभी तक तुम्हारे इतने पैसे नहीं। हाँ। शायद ऊपर से आना चाह रहे थे। हाँ। तो मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन की, मुझे मजा नहीं आया, बाइक बेचने के लिए भी लड़की खड़ा करना है, तेल बेचने के लिए भी लड़की, शेविंग किट बेचने के लिए भी लड़की खड़ा करना है, मैंने कहा ये हमें तो 4 साल ये नहीं सिखाया। Exactly. तो मैंने फोन किया इन लोगों को, मैंने कहा अच्छा मैं कर सकती हूँ, सो देन आई डिड माय फर्स्ट प्ले विद असफर, एज इट वाज हिज फर्स्ट डायरेक्शन का, जिसमें मैं थी साथ। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत बड़ी कास्ट थी, तलत हुसैन साहब, बद्दू आपा, फैसल कुरैशी, एजाज, तानिया शफी, सादिया इमाम, पूरा सब डाल दिया, कहीं कोई तो हिट होगा। हाँ, कोई तो हिट होगा। हाँ, सब डाल दिया। बड़े दिक्कत, इतनी चीखें नहीं मारो। अच्छा, जो हस्बैंड हैं आपके प्राइवेट, उनसे आप कैसे मिले? उनसे मैं कैसे मिली? थ्रू फ्रेंड्स हम मिले, थ्रू फ्रेंड्स, और हम एक थिएटर प्ले देखने गए थे सारे फ्रेंड्स मिलके, सारे फ्रेंड्स, तो उधर हमारी बातचीत हुई, फिर उधर उसने कहा कि मुझे, मैं सिंगल हूँ, मैंने कहा और लड़की ढूंढते हैं तुम्हारे लिए। यहीं से स्टार्ट होते हैं लड़के, लड़के यहीं से स्टार्ट होते हैं और उसी लड़की को बताते हैं जिसमें खुद उनका दिल आया होता है, मैं सिंगल हूँ, और अक्सर लड़के जिनको कटाना होता है ये कहती है आओ ढूंढते हैं। मुझे कटाना था, आप सही जगह पहुंचे, मैं तो आपको पता है, आप पर्सनल एक्सपीरियंस। ये अच्छा है, आप फिक्र नहीं करते किस चीज की, किसी भी चीज की। क्या कर सकता हूँ, आप देखें अब दिन की नौकरी भी लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, शादी भी है, 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का लड़की, पूरा सेट कब सही, अब किस बात की फिक्र करूं। सही बात है। तो वैसे एक बात बताऊं, पीस तो बड़ा टेट है वो। अच्छा, ऐसा है कि हमने सुना वद्रिगा, खैर दे निश्ता, टॉपक जमा कानून दे। आपके हस्बैंड जो है उन्होंने पूरी इंडस्ट्री चेंज की। मैं बोल नहीं सकती,
हमारा खाता कैसे चले। तो घर में कभी आपको देखते तो नहीं कहते थोड़ा सा यहाँ बहुत ज्यादा फेंडर सीधा कर दो? हाँ, हाँ। हर वक्त 6 साल हो गए अपने हिसाब से बना लिया उन्होंने आपको? हाँ, उन्होंने कहा मैं कोई सीरियस बात कर रही हूँ बेटे की एडमिशन होना है फीस ये आनी है जरा यूं देखना यहाँ पे अगर ये तुम्हारे ऊपर चले जाए तो ये हो जाए ना, मैं खुदा के वास्ते माफ कर दे यार। ये तो वो मतलब अजीब सी बात है, वो तो आप कोई बार बार चेंज करके 4 शादियों में वो कर सकते हैं ना पूरे सेट मजे ले सकते 4 शादी आज तुम करीना कर देता हूँ मैं। हाँ, तो अच्छा तो लोग समझेंगे पता नहीं क्या कर रेवोल्यूशनरी ने कोई पूरी इंडस्ट्री चेंज कर दी। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक शाइस्ता की कॉम्पिटिशन शाइस्ता जी बहुत अमेजिंग है बट वो सर्जन नहीं है, फाद सर्जन है। फाद सर्जन है, लीग ही डिफरेंट है, आउट ऑफ लीग हो गए ना फिर तो। मैंने नहीं कहा मैंने नहीं कहा, लेकिन हमें रोका भी नहीं रोका भी नहीं हम क्यों रोके अल्लाह की देन है। मॉर्निंग शो कभी मॉर्निंग शो की तरफ अट्रैक्शन हुई ये मैं करके देखती हूँ? नहीं, लेकिन एक दफा सनम जंग आई थिंक शी वाज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट बेबी रिप्लेसमेंट, सो मुझे 2 हफ्ते के लिए उनका काम करना था। वो 2 हफ्ते 3 से 4 हफ्ते हो गए, तो एक दिन आलू डे, अब मेरे को आलू डे मैं आलू पे बात करूं, वो कह रहे आलू डे आलू ओरिजिनेट कहां से हुआ है? मैंने कहा आप जमीन से, एडिसन ने आलू इजाद किया मतलब आलू डे, फिर कहते बिरयानी डे, तो मैं कहूँ यार ये तो मैं नहीं कर सकती। फिर मेरे काफी लोगों ने फोन किया कि ये तुम्हारा सीन नहीं है, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं हेल्प कर, पर्सनालिटी है ना, ऐसा लगता नहीं आपको, देखने लगता मॉर्निंग होस्ट बन सकते हैं। और मेरे बजाय सब बातें कर रहे होते थे और होस्ट जो है वो मुझे बोल रहा था आप बोले कुछ, आप बोले, मैं कहूँ मैं आलू डे पे क्या आलू ले लो ये करते। अच्छा ये बताएं कि अब जो ड्रामा स्टोरीज हम देखते हैं दे आर मोस्टली दे आर फीमेल डोमिनेंट स्टोरीज, प्रोटैगनिस्ट जो होती है यूजुअली खातून होती है, वही सब कार्रवाई कर रही होती है, तो क्या ये इंडस्ट्री जो है ये भी फीमेल डोमिनेंट है या इज इट मेल डोमिनेंट? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही मेल मिसोजिनिस्टिक इंडस्ट्री है हमारी, बड़ी पेट्रियार्कल सोसाइटी का एक ताज पहना हुआ है हमारी, ट्रू रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल। तो आप ये भी देखें, ये बड़ा फनी है कि हमारी स्टोरीज में हीरो और औरत है, ठीक है, लेकिन पिट भी वही रही है, जल भी वही रही है और ड्रामे भी वही देख रही है। 3-5 तीसरे एपिसोड में मर जाती है हीरो, बाकी मर्दी कर रहे काम। अगर औरतें आपकी ऑडियंस हैं तो आप उनको एलिवेट करें ना, उनकी स्ट्रगल्स दिखा के उनको किसी जगह पहुंचा के आप वो स्टोरीज बताएं, ना कि ये कि आप उसी को पीट रहे हैं, उसी को जला रहे हैं, उसी को धमका रहे हैं, उसी को घरों से बाहर निकाल रहे हैं, उसी को थप्पड़े मार रहे हैं, एंड भी वही हो रहा है और आप कह रहे हैं भाई वाह 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 औरतों के लिए हमने ड्रामे अच्छा ना बनाए, हमारे लिए ड्रामे हम खुद कर लेंगे अपना ड्रामा। हाँ, हम बेहतर है हमें नहीं चाहिए आपके ड्रामे, इस शो के बाद मुझे काम नहीं मिलेगा। ऐसा शो बनाएंगे कि इस शो के बाद बाकियों को काम नहीं मिलेगा। अच्छा जहां तक जैसे आपने कहा मेल डोमिनेंट है, तो इज देयर एनी डिस्पैरिटी बिटवीन हाउ यू गाइस गेट पेड, लाइक औरतें और मर्द डिफरेंस है या ये डिफरेंस नहीं है बाकी हैं? आई डोंट नो, कभी झांक के देखा नहीं फाद मुस्तफा का चेक अपना पता है कितना, हो सकता है उन्हें सिर्फ कैश ही मिल रहा हो सकता है ना, और भी चीजें हो हमें क्या पता, इतना तो गहराई में मैं पूछ भी नहीं रहा जितना आप बता रही हैं। ऐसा चाहिए, ऐसा क्योंकि वो मेरा दोस्त है, हाँ, और वो बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए मैं उसको लेके बात करती हूं। ये अच्छा कवर था वैसे। आखिर में यार तू दोस्त करना पड़ता है। एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं पहले पूछ रहा हूँ, ये सवाल बहुत ही हर सवाल पे ये कह रहे क्या करें, आपको क्या लग रहा है बेकार सवाल लेके बैठे हैं? नहीं मतलब आपके सारे सवाल अच्छे। अच्छा जब मैं कहता हूँ ना अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा, सवाल मैं खुद बना रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये कुछ कुकिंग यही चल रही है, मसाले वसाले सब अनस्क्रिप्टेड है भाई, गवाह रहिएगा आप इसकी बात की। ये पूछना पड़ेगा डायरेक्टर साहब, वो मुझसे पूछेंगे। हाँ था बता। तो ये बताएं कि जो सास है आपकी अपनी ओरिजिनल जो सास है ड्रामे की, नहीं वो कैसी है? अच्छी, बहुत मजे की है। आजकल लेटेस्ट मॉडल की सारी सासें अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी है ना, जरा वो पुरानी वो जो थी ना कि हम क्योंकि सास भी कभी बहू एंड ऑल दैट, कि मेरे ऊपर जितने जुल्म हुए मैं भी उतने ही करूंगी, वो सब पीछे रह गया है। अब आई थिंक वो चाहती है कि बच्चे खुश रहे, उनके बेटे खुश रहे, घर का माहौल अच्छा रहे, बच्चे जो आने वाली नस्ल है वो अच्छी एजुकेशन हासिल करे। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। अच्छा मेरी अम्मी ने जो है ना वो ओवरडू कर जाती है अच्छी सासों में। ओवरडू करने का बहुत मसला है सासों का। हाँ। अब वो इतनी अच्छी सास बन रही है कि मैंने अम्मी से पूछा बात सुने मेरी सास तो नहीं है आप।
ओवरडू कर जा रही हैं। मैंने 2-3 बार 50 रुपया काटा भी ओवर एक्टिंग का। आज आप उसी घर में रह रहे? वो दोनों उसी घर में रह रही हैं। मैं यहाँ शूट करा रहा हूँ। अरे भाई ऐसी बिलाड़ी की एक्टिंग दी तो पूरे दिन पड़ा सोता रहता है। हाँ। और अगर वो हिरासत होती है उसको सोने दो बेटा, वो बहुत थकी हुई सोई। किसकी माँ हो तुम? अब वो एक दूसरे को डांट भी रही है। हम यहाँ भी मक्ति आ कह रहे हैं, तुम्हें मम्मी से बात की तमीज नहीं। आपने ये ओपनली कहा है, स्टेटमेंट दिया दैट यू आर नॉट अ फेमिनिस्ट। मैंने एक्चुअली ये स्टेटमेंट ये थोड़ी एडिटिंग में इशू आज खुला बोल रहे, आज खुलेगा वो। मैंने कहा था कि अगर फेमिनिस्ट माना जाता है कि वो लोग जो एक बैंड वैगन पे चढ़ के कहें वी हेट मेन, लेट्स ट्रैश मेन, देन आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। ओके, अब आप ये भी कट करके ये लगा सकते हैं, मैं कह रही हूं देन आई एम नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम, ओरिजिनल शो लगाएंगे। तो दैट वाज माय स्टेटमेंट। I am an activist. मैं बात करती हूँ women's law awareness पे, women's sexual harassment पे, workplace harassment पे, home domestic violence पे, child abuse पे। तो जब मैं इतनी सारे avenues पे औरतों और बच्चों के लिए बात करती हूँ तो मैं कैसे equal rights पे नहीं बात कर सकती? तो आपको लगता है आप movement के तो खिलाफ नहीं है, मगर आप क्या इस जो इस movement को पाकिस्तान में represent किया जा रहा है उस representation से आपको inside disagreement है ना? बहुत हम harsh direction लेते हैं, हैशटैग्स डाल देते हैं, ब्लैक कार्ड्स लेके खड़े हो जाते हैं, टेंशन डाइवर्ट हो जाती है रियल इश्यूज से। जो रियल इश्यूज है, एंड आई टेल यू, हम डिफेंस क्लिफ्टन में फिर चले, आपकी एक आवाज है, आप बोल सकते हैं, आप खड़े होके अपने घर में बात कर सकते हैं। जो असल इश्यूज है वो इंटीरियर और लोकल हमारे जो छोटे इलाके हैं, हमें उधर जाके ये रैलीज निकालनी चाहिए। जो बहुत सही पॉइंट है। बहुत सारे इश्यूज पे जब हम चाइल्ड अब्यूज या लॉ अवेयरनेस की भी बात करते हैं तो जी बड़े से टेंट लगे होते हैं, किसी होटल में शो हो रहा होता है, सारे अमीर लोग बैठे होते हैं, गवर्नर साहब आते हैं, कोई मिनिस्टर्स आते हैं और बहुत सारे वेल टू डू लोग बैठे होते हैं, उनको वो एजुकेशन अवेयरनेस नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। जो असल लोगों को चाहिए वहां तो हम जा ही नहीं रहे। मैं स्टैंड अप कॉमेडी करने से पहले मोटिवेशन स्पीकिंग का मंजनी बेच चुका हूं। अच्छा। अब क्या होता था कि आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, ILMs में, IBM में, उनको बता रहे हैं बेटा चोरी नहीं करो, ये करो, अब उनको तो पहले से पता ही बात है। हाँ। मैंने कहा यार तुम लोगों को चाहिए था 5,000-5,000 रुपए के टिकट लेकर आए थे। मैंने कहा यार ये 5,000-5,000 रुपए के टिकट किसी गरीब को देते उनको बुलाते हैं यहाँ पे, मैं तुम्हें क्या बताऊँ गलत क्या है। छोड़ दिया वो काम, अब ये कर रहा हूँ। ये भी ठीक। हाँ ये भी ठीक है, बुरा नहीं है, ऐसे पैसे भी थोड़े ज्यादा हैं। लोगों को जलील करने में भी मजा आता है। कहाँ कर रहा हूँ ये अभी तक? नहीं अभी तक नहीं। तो फिर आप क्यों इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे? चले थोड़ा सा बस ठीक है। हाँ। अच्छा फहद, फहद आपके जो हस्बैंड है जी, अगर उनको बोलूं मिस्टर सरवत गिलानी तो मसला नहीं, गलत है, ये भी चेंज कराना है। जिस तरह वो लोग होते हैं ना घर में, अच्छा बेटी काम करती हो, नौकरी करती हो, हमारा बेटा है ये, दिस इज वेरी इंसल्टिंग। हां इट इज वेरी इंसल्टिंग। इट्स वेरी, कभी बेटे को नहीं कहते ये तुम्हारी बेटी जैसा, ऐसा कभी भी नहीं कहते। तो गलत है ना? नहीं नहीं, मैं सीरियस हूं, मैं सीरियस हूं यार, ये है असली फेमिनिज्म यार, हमने एक सा इक्वल राइट तो यहाँ देने ना रुतबे में। अच्छा बात करते हैं, क्या बात कर रहा था मैं, बड़ी बात, फहद वाले, फहद फहद मिर्जा भाई जो है वो, उनके साथ आपकी एक इंटीमेट तस्वीर वायरल हुई जिसपे लोगों ने ट्रोलिंग की हद कर दी। सही, तो पहले तो दिन तो बुरा लगा होगा। किसको? अरे आपको? नहीं हमें नहीं लगा। यार बड़ा अच्छा लग रहा है ये किया हुआ। ये हम थे रोम में, ठीक है, ठीक है, when in Rome, when in Rome, when in Rome हो गया, रोमांस हो गया, when in Rome हुआ रोमांस। और वो तस्वीर फहद ने 10 दफा मुझसे पूछा लगा दूं, मैंने 10 दफा मना किया। जब उसने 11वीं दफा मुझसे, मैंने कहा ये ले भाई, तू कर ले, करने कर ले, उसने वहां लगा दी। अब यहाँ से मुझे फोन आना शुरू, मैसेजेस आए कि ये क्या है, ये है, वो अच्छा पूछने लोग क्या है ये, तो हमें पता ही नहीं चला तुम्हें, समझ नहीं आ रही थी, इतना क्लियर है यार। मैं रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर टेलीनॉर 4G और 2BONS भी होने वाले हैं आप कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट, इसलिए। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ। मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द टर्कीएस्ट ऑफ देम ऑल? आई थिंक हर इंसान में एक छोटा मोटा टर्की तो होता है। टर्कीएस्ट ऑफ देम ऑल, इतनी जोर से सिर्फ हिंट्स दे, सिर्फ हिंट्स, सिर्फ हिंट्स, नाम नहीं ले, सिर्फ हिंट्स, आदमी है जैसा बड़ी सोचा था नहीं ना, सांस आ रही है उसे, क्वेश्चनेबल है,
यानी इससे अंदाजा हो गया, हिंट्स पकड़ ली, बड़ी उम्र का है वो। बड़ी उम्र के हैं, लगते भी बड़ी उम्र के हैं। नहीं पहुंच गए, सब पहुंच गए। अच्छा कोई स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री में ब्यूटी का, जिस जो जो सेट किया हुआ किसी ने, यही है बस ब्यूटी, इसके आगे पीछे सब खत्म, कचरा है, सब कचरा है। माहिरा खान। ओके, अच्छा ये सेट किया हुआ इंडस्ट्री ने या आपको लगता है ऐसा? नहीं हमारी सोसाइटी का ये एक स्टेट स्टैंडर्ड है, गोरी लड़की, लंबे बाल। अच्छा मुझे जो है ना हनी कलर अच्छा लगता है, मुझे गोरी, आपका तो है बहुत अच्छा। मुझे गोरे होने का कोई शौक नहीं। मैं तो कहता हूँ क्या है उसको, मेकअप आर्टिस्ट थोड़ा हल्का सा हल्का कर दो, मेरे अंदर वीट लगाओ, वीट, गलत वीट लग गया तो मसले हो जाएंगे। वीट कहा, वीट कहा, मैं कनाडा से आ रहा हूँ, वहाँ दोनों चीजें लीगल। अच्छा आइटम नंबर करेंगी या नहीं? ओह माय गॉड, नहीं कर सकती। क्यों, कमर में दर्द है? फिर पिटाई से डर लगता है, घर पे जो होगी पिटाई। अम्मी, अम्मी अब्बू सब मिलके, ठीक है। जरूरत है आइटम नंबर? नहीं है जरूरत, यही पूछना चाह रहा था। जरूरत फिल्म बेचने के लिए, स्टोरी इज किंग, कंटेंट इज किंग। ये प्रोड्यूसरों और स्क्रिप्ट राइटरों के दिल में चोर है, खुद होते होंगे ठरकी, अपनी ख्वाहिशें हैं, खुद होते होंगे ठरकी, उनको लगता है सब यही देखते हैं। जिंदा भाग एक फिल्म थी, जी 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 जी, अनबिलीवेबल, मंटो फिल्म थी, लाल कबूतर फिल्म थी, चुड़ैल्स भी कुछ थी। सो मतलब चुड़ैल के बाद ना मेरा इतना दुआ करता, अल्लाह हमें भी कभी बैन करवाएं। सही कह रहे हैं, बैन होने के बाद और लोग क्यूरियस, स्वैग आता है। हाँ। यार मैं बैन हुआ, बैन हुए यार, आई एम ताबिश बैन। कैसा लगा बैन होके? बहुत अच्छा। अब चुड़ैल की बात करते हैं, चुड़ैल की बात, यासरा भी आई थी यहाँ, बहुत एंजॉय करके गई थी यासरा, इतना शेर सुना के चली गई। सही बात है। उस टीवीएस के बाद दीवान लिखा मैंने। तो कैसे एक्सपीरियंस था, कैसे मिला वो काम, स्क्रिप्ट पढ़ के डर नहीं लगा? डर नहीं लगा कि 20 साल में ऐसा काम पड़ा ही नहीं, अब आया है काम, तो अब आया एक्चुअली ऐसा लगा। अच्छा अम्मी बनने के बाद अब क्या कहते हैं आपका जो मामा कहते हैं? जाहिर है डिफेंस में रहती हैं आप, हमारे ना अम्मा अब्बा बाबू। मुझे अम्मा अच्छा लगा, अम्मा क्योंकि मैं PCHS की हूँ। ब्रिज के बीच में ना उस पार ना इस पार, ये सेफ खेला आपने, ये वेरी गुड। अच्छा ये बताएं कि मामा बनने के बाद पर्सनैलिटी के अंदर सरबत गिलानी पोस्ट मामा और सरबत गिलानी प्री मामा, तो क्या डिफरेंस है? थोड़ी सीरियस हो गई हूँ। सीरियस हो गई, पहले क्या करती थी? लतीफे सुनाती थी, आओ जोक सुनाऊं, क्या था पहले? आई थिंक थोड़ी लाबाली सी थी, जहाँ प्लान बना चले गए, अब हर चीज बच्चों के स्केड्यूल और प्लान के अराउंड है। ये जो होता है ना बच्चे पैदा होने के बाद के, अब हमारी जिंदगी बच्चों के लिए है। उनका डिसिप्लिन होना इस बात का हमें फायदा है कि वो 8 बजे जब सोएंगे तो हम कहीं बाहर डिनर पे जा सकते हैं। यही अगर वो 10 बजे सोएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे ना, वो कहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट डिसिप्लिन। अब हम भी यही करते हैं भाई, बच्चे सुलाओ फिर बात करो मुझसे, वरना तो बात ही नहीं। टिकटॉकर्स के बाद अगर कोई ज्यादा अटेंशन सीकिंग करते हैं ना, वो बच्चे करते हैं। सही बात। अच्छा एम्बैरेसिंग मोमेंट्स तो हुए होंगे यार, बड़े सारे, कोई एक हो जाए ऐसा जो बताया जा सके। मैं एक दिन बहुत तैयार होके और बहुत, मुझे शो पे जाना था और मैं बहुत एक्साइटेड थी, शेरू का शो था, HSY चाहिए, ठीक है, लेट नाइट विद शेरू करते हैं, और मैंने बाल और कपड़े और हर चीज़ पे बड़ी कंसंट्रेशन की, मैं जूते पहनना भूल, चप्पल पहन के चली, घर के बाथरूम वाली जो सबसे, ये हो चुका है मेरे साथ, जो अलग अलग रंगों में होती है, आप उसको प्रिटेंड भी, और कभी कभी फटी हुई भी होती है साइड से, बहुत बुरा, बहुत। तो मैं चली गई और मैं सेट पे बैठी और मैंने जब यूं करके अपना HSY गरारा डाल के कवर किया फिर? हाँ नहीं, फिर मैं शौक हो गई, मैंने कहा कट करेंगे प्लीज। आज आप सबसे, अब सबसे पहले जूते पहन लेती हूँ, अब मैं जूते पहन, पहले जूते पहन लेती हूँ। अच्छा ये तो हो गई एम्बैरेसिंग, सबसे, अब तो खैर सरबत आप मामा बन गई हैं तो अब तो क्रेजी हरकतें ऐसी नहीं करती होंगी। कभी जब सरबत जवान थी, मतलब छोटी, क्या कह रहा हूँ, जब सरबत टीनेज थी, 5 साल पहले ही, यूथफुल थी, यूथफुल तो अभी, यूथफुल अभी भी है, मुझे खुद लफ्ज दे के फंसा रही हैं। तो जब आप टीनेज थी, 19-20 साल सरबत, तो उसका कोई क्रेजी चीज जो आपने की हो, कोई एक्टिविटी, कोई प्रैंक, वो देना है सरबत, वो है मसाला। फहद, आई सी फहद इन दोज डेज, कॉलेज के जमाने में,
अभी तो दोस्तों ने मिलवाया था, पहले सवाल में दोस्तों ने मिलवाया था, तो वहीं से मिला के बाद में आगे मैं याद इसलिए दे रहा हूं कि अपनी स्टोरी में ना फंस जाएं। तो जब हमारी दोस्ती थी तो एक दिन पता नहीं क्या हुआ, हम लोग इंडस वैली में बैठे थे और हमारे पास स्प्रेस थे, स्प्रे पेंट्स थे। फाद की अम्मी ने नया नया घर पे पेंट कराया था, तो मैंने अपनी सारी दोस्तों के लिए, मैंने कहा चलो एक नया पेंट हुआ है कहीं, उसको जाके हम, तो हमने उसके घर पे जाके बाहर बहुत सारा ग्रैफिटी कर दी, ग्रैफिटी करी। और उसकी, उनकी अम्मी ने इसलिए कराया था क्योंकि उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता आना था कोई, तो उसके लिए वो उन्होंने घर भर सारा पेंट सही। हमने इधर उधर रिश्ते लाना मना है, बाहर यहाँ गाड़ी मत खड़ी करो, वो देखो ये हो रहा है। हमने लिखा कचरा फेंकना मना है, यहाँ पे समथिंग करना मना है, ये सब करना। तो जब वो बाहर निकली सुबह, अरे इतना सारा तो कुछ तो मना कर दिया तुम लोगों ने, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर। तो उन्होंने फहद को बुलाया, ये देखो कितने, अब तुम कहाँ करोगे। आइए देखो पाबंदी लगा गई ये तो लड़की। बड़े ऑनेस्ट है। अब उन्हें पता है? हाँ, अब उन्हें पता है? अब उन्होंने पता है, बिल्कुल पता है। तुम ही थी वो? मैं ही थी वो। वो बड़े सारे जो पहली दफा शो में बताया घर जाके, तो मैंने कहा अम्मी ने कहा तुम वाकई तुम थी, मैंने कहा जी मैं ही थी। कहती फहद अब तो मैं कुछ नहीं कह सकती, आवाज तो लगाई फहद। वो उस दिन उस वक्त फहद को बाहर बुला के कह रही है इनकी टांगे टूटे अल्लाह बयान के हाथ, फहद कह रहे नहीं नहीं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसे नहीं कहते किसी के हाथ है अम्मी। अच्छा उनको पता था, फहद को पता था, फहद खुद भी शामिल थे? नहीं नहीं उनको पता था मगर। सरवत मार्स पे जा रही हैं, इतना नहीं चलेगा। मैं ले जाऊंगी मोबाइल फोन, वहाँ चल नहीं रहा, सिग्नल नहीं आ रहा। कैमरा तो चलेगा ना भाई, कैमरा ले जाना। टेजर, अरे वहाँ कितने लोग भाग जाइएगा, अगर कोई एलियन आ गया तो उसको मैं कैसे हाथापाई से, तो ऐसे नहीं? उसको बिजली से असर ही ना होता हो, ये भी तो है। आप पहले जा चुके? मैं जान या आप वहीं से आए? यस। भाई इतना टैलेंट वहीं से आ सकता है। नहीं हो सकता, टेजर लेके जा रही हैं? टेजर लेके जाऊंगा। हो सकता है एलियन फ्रेंडली हो, आके बोला आदाब सरवत आपका, मैं कहूंगी जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, शादीशुदा रहो। तो दो चीजें हो गई, टेजर हो गया, अब और लेके जाऊंगी। वन वे है ये, वापस नहीं आ रही। मोबाइल ले गई, चार्जर नहीं ले गई। तीसरी चीज होगी तकिया लेके जाऊंगी। तकिया के बगैर मेरी गर्दन में बहुत दर्द होता है, मेरा थेरेपी पिलो है। सही, तकिया ले जा, तकिया, कैमरा और टेजर। शुक्र है भाई, कुछ लोग तो दो तीन सूट लेके जा, तीन सूट लेके जा भाई, वहां स्पेस सूट पहनना है यार। अच्छा अगर आपको चांस मिले, और ये जो है बहुत ही ऐसा सवाल है, इससे यूथ को सीखने का मौका मिलेगा, अगर यकीनन आपको अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनने का मौका मिले, डिवाइस बनने का, हाँ चांस दिया जाए, हाँ कि भाई ये बन जाओ, क्या बनेंगे? टेजर। ब्रांड तो नहीं आने वाली टेजर की आपकी, सरवत टेजर? नहीं, आई थिंक हर औरत के बैग में एक टेजर होना चाहिए। वो तो होना चाहिए, मस्ट है वो तो, मैं बता रही हूँ। और आई थिंक छोटे बच्चों के भी बैग्स में, बेटी को पैदा होने पे टेजर दे दो यहाँ, ये गिफ्ट अच्छा है। तीन टेजर्स, बिजली लग लग के ठीक होंगे लड़के। मैं बता रही हूँ, जब तक टेजर्स नहीं लगेंगे ना, इन सब जितने लड़के बड़े आप सबको टेजर लगेगा जी, सब लगाएंगे, एक एक टेजर सबको लगेगा, ठीक है। अच्छा मार्स पे आए हैं दो लोग, डन सही, आपके पास टेजर है, मैं आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस मुल्क से आया हूँ, एलियन हूँ, मुझे एलियन बनना नहीं आता, एक ही एलियन देखा हम सबने गरीबों ने, जादू, जादू बन गया मैं। धूप धूप मैं तो इंसान था भाईजान, मैं बर्थडे पे आया था, मुझे कपड़े पहनाए थे, आपने गरीब को टेजर लगा दिया बहन, अल्लाह पूछेगा तुम्हें सरवत। सरवत थैंक यू सो मच, आप जैसा गेस्ट आता है ये शो वैसा ही बन जाता है, इट वाज वेरी इनलाइटनिंग, नॉट जस्ट फॉर द ऑडियंस बट फॉर मी एज वेल, योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स एज वेल वाज एब्सोल्युटली क्लियर, एंड इट लुक्स लाइक कि जो आप बोलती हैं, जो सोचती हैं, यू मीन इट, एंड आई रियली वैल्यू दैट, थैंक यू सो मच सरवत।
यार मैं रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी होने वाले हैं आप कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट, इसलिए. अस्सलाम वालेकुम, आई एम सरवत गिलानी, प्लीज सब्सक्राइब टू नाशपाती प्राइम एंड यू आर वॉचिंग टू बी ऑनेस्ट.